धूमकेतु C2020 F3, जिसे नियोवाइज के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत में 20 दिनों तक दिखाई देगा। भुवनेश्वर के पठानी सामंत तारामंडल के उपनिदेशक के अनुसार नियोवाइज को 14 जुलाई से आसमान में खुली आंखों से देखा जा सकेगा। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आसमान में ये धूमकेतु दिखाई देगा। ये धूमकेतु अगले 20 दिनों तक सूर्यास्त के बाद 20 मिनट के लिए दिखाई देगा। शाम के समय ये धूमकेतु आसमान में और ऊपर की ओर चढ़ेगा और लंबे समय तक दिखाई देगा। इसे दूरबीन की मदद से भी आसानी से देखा जा सकता है। 30 जुलाई के आसपास इसे 40 डिग्री की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल के पास देखा जाएगा। जुलाई के बाद ये बहुत तेजी से गायब हो जाएगा और खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा। हालांकि इसे दूरबीन या स्पेस दूरबीन की मदद से देखा जा सकेगा। इस धूमकेतु को नासा ने मार्च में खोजा था। ये धूमकेतु 22 जुलाई को पृथ्वी के सबसे पास 10.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। धीरे धीरे ये सौर मंडल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूमकेतु क्या है और कहां से आता है? दरअसल धूमकेतु एक विशाल तारा है। लाखों की संख्या में धूमकेतु सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य के पास एक बार कुछ तारों को कुछ साल लग जाते हैं। धूमकेतु यदि एक बार सूर्य के पास आकर दिखाई देने के बाद चला गया तो फिर उसे वापस आने में कई साल लग जाते हैं। धूमकेतु कुछ किलोमीटर व्यास के पत्थर, बर्फ और धूल का कठोर पिंड है। ये अत्यंत ठंडी अवस्था में सूर्य के पास चक्कर लगाते हैं। तो तैयार हो जाइए 14 जुलाई से हर शाम नियोवाइज धूमकेतु देखने के लिए। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।